Hey everyone, today we'll be studying about Euler's theorem, and it's actually a very important theorem in group theory. So let's start with it. So Euler's theorem mein humne prove karna hai that a raised to the power phi n is congruent to 1 mod n. This is going to be our objective 2 of Euler's theorem. Okay, so if you have studied about residue class, so you must be familiar ki ye jo bhi likha hua hai, ye ek residue class hi hai. 1 mod n ki residue class hai. So let's study about residue class first. Residue class of modulus. Dekho, agar a is congruent to b mod n, it means that if I do it a minus b by m, what iska matlab ye ki a minus b is divisible by m. For example, agar a le lete hain 4, b le lete hain 2, and finally usko divide karte hain m se, yani ki 2 se, so it will be 2 by 2, answer will be 0, right? So hua ye that divisible divide hoga. Yahan pe bhi same cheez hai Euler's theorem mein bhi, that a raised to the power phi n is congruent to 1 mod n. Yani ki a phi n minus 1 is divisible by mod n. Yes se divisible ho jayega. Okay. Ab yahan pe kuch phi n dikh rahe hai. What is phi n? Phi n is a new thing. Phi n yahan pe hota hai Euler's function. Euler's function is phi n. So phi n yani ki humne number of integers less than equal to n and co prime to n. Dekho, for example main n le lu 8. If I have n as 8, अब मुझे ऐसे इंटीजर लेने हैं जो कि कम होने चाहिए n से, एंड इट कुड बी इक्वल टू n और को प्राइम हो n के, राइट? लेट्स सी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे क्या है? ऐसे इंटीजर्स जो कि लेस देन n है एंड इक्वल टू n, n के 8 भी है. अब हमने इनमें से ऐसे नंबर्स लेने हैं जो कि को प्राइम हो 8 के. देखो, अगर 8 के फैक्टर्स है 1, 2, 4 और 8, बस इन्हीं टेबल से ये मल्टीपल है. तो अब क्या करेंगे हम, 3, 1, 5 और 7 इसके को फैक्टर्स होंगे, सॉरी को प्राइम होंगे इसके. वाई? बिकॉज 2 के फैक्टर्स 1 और 2 होते हैं. 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है. 2 कान भी द नंबर विच इज को प्राइम. 4 में भी चेक करो और 6 में भी ऐसा ही होता है, राइट? सो द नंबर द ग्रुप विच गेट्स फॉर्म्ड इज 1, 3, 5 and 7. So, 5 of n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4. 4 ऐसे एलिमेंट्स हमें मिल गए. 5 of n की वैल्यू में आ गई 4. हमने ऐसे इंटीजर्स लेने हैं 5 of n निकालने के लिए जो कि को प्राइम होने चाहिए 8 के, एंड इट शुड आल्सो बी लेस देन 8 और इक्वल टू 8. नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन इस यूलर्स थ्योरम का, उससे वी गेट मोर क्लैरिटी दैट एग्जैक्टली प्रूव क्या कर रहे हैं. देखो, लेट्स राइट इट डाउन. ए फाइ एन इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, ये यूलर्स थ्योरम. एन हम ले लेते हैं 8, बिकॉज हमने यहाँ पे भी 8 लिया होगा. 1 mod 8, एंड ए की वैल्यू हो जाएगी, ए बाद में सिलेक्ट करते हैं, 5 of n विल बी 4, एंड ए इज गोइंग टू बी, ए जो कोई भी ए जो हमने ग्रुप लिया है ना, ये सारे नंबर्स क्या है, को प्राइम है 8 के, या फिर रिलेटिवली प्राइम है 8 के. सेम थिंग, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम एक ही बात है,
इन सब में कोई भी फैक्टर्स मैच नहीं कर रहे हैं 8 से, एक्सेप्ट फॉर वन, वन डजंट मैटर. तो हम इनमें से कोई भी एक नंबर ले लेते हैं और उस नंबर को ए बोलेंगे. ठीक है, ए ले लेते हैं, लेट्स टेक 3. अब 3 रेज टू द पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8. इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, देखो जो हमारा 3 रेज टू द पावर 4 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 3 × 3 × 3 × 3 नहीं है. दैट्स नॉट व्हाट इट मींस. इसका मतलब ये है दैट 3 × मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8, 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8, 3 × मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 एंड 3. इट गेट्स कन्फ्यूजिंग समटाइम्स. ओके, ऐसे करना है इसको ऑपरेट. सो 3 × 3 = 9 और उसको डिवाइड करेंगे 8 से तो रिमाइंडर आ जाएगा 1. नाउ अगेन ऑपरेट करेंगे. नाउ 3 × 1 = 3 और रिमाइंडर भी कुछ नहीं होगा इसमें. एंड अगेन सो 3 × 3 फिर से आ जाएगा 9. 9 को डिवाइड करेंगे 8 से और आंसर आएगा 1. अगर ये स्टेप नहीं पता है कि मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो कैसे निकालते हैं, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दैट वीडियो. ओके, सो हमारे पास आंसर आ गया 3 raised to the power 4 का 1. लेट्स राइट 1 हियर. नाउ अब इसको ऑपरेट कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1 − 1 / 8. देखते हैं क्या ये डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है इससे या नहीं. तो 1 − 1 = 0/8, आंसर आएगा 0. सो क्या हुआ, ये डिविजिबल है इससे. यही चीज हमने बस यूलर्स थ्योरम में प्रूव करनी है. ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव. टेक अ क्विक लुक कि क्या किया हमने इसमें. ठीक है, अब देखो आगे. अब वॉट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हम एग्जैक्टली इसको प्रूव करते हैं. पहले वी सॉ द एग्जाम्पल और बेसिक टर्म्स, अब इसको प्रूव करेंगे. सो यूलर्स थ्योरम, लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर. इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड A is any integer relatively prime to n, then क्या होगा, A raised to the power 5 n is congruent to 1 mod n हो जाएगा. This is Euler's theorem. This is Euler's theorem. Okay. अब देखो a ये है, n ये है. यहाँ पे हमने लिया था 3 और यहाँ पे हमने लिया था 8 example में. ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या है, रिलेटिवली प्राइम है. लिखा है हमने दैट a और n ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए. ठीक है, या फिर को प्राइम, एक ही बात है. ओके, अब कुछ चीजें और देखो. Now, proof. That is the statement. Now, proof. For any integer x, कोई integer है x, let करो कि x जो हमने bracket में दिया है, let करो ये denote the residue class of x, residue class of x modulo n. देखो ये जो यहाँ पे 1 mod x n लिखा है ना हमने, इसका मतलब ये है कि ये x modulo n है, x modulo n को हमने रिप्रेजेंट कैसे किया है, 1 is equal to 1 mod n.
ये 1 की वैल्यू क्या है, 1 mod n, ठीक है, this 1 is equal to 1 mod n, ओके, अब क्या करना है, now, let करते हैं कि g is equal to this and a is relatively prime to n, g एक ग्रुप है, ठीक है, g is a group, g में एक एलिमेंट होगा a जो कि रिलेटिवली प्राइम होगा n के. फॉर एग्जांपल देखो, हमने एक ग्रुप फॉर्म किया था, ये हमने एक ग्रुप फॉर्म किया था, लेट्स गेट रिड ऑफ अननेसेसरी थिंग्स सो दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टेल. ये हमने एक जी ग्रुप फॉर्म किया था, राइट. अब इस जी ग्रुप में क्या हुआ, एक हमने एलिमेंट ले लिया था यहां से ए, ए हमने लिया था 3. हम वही बोल रहे हैं कि ए एक ऐसा नंबर हमने इस ग्रुप से लिया जो कि रिलेटिवली प्राइम है एन के. ओके, अब हमने क्या किया, पहले तो हमने एक ये रिप्रेजेंट कर दिया, अब ए ले लिया, एन भी हमें पता चल गया रिलेटिवली प्राइम है. और अब क्या करना है हमने, देखो अब हमने एक चीज यहाँ पे क्या की थी, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म इन सब पे कराया, वो भी डिनोट कर देते हैं. देखो अब हम लिखेंगे दैट देन जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर फाइव एन अंडर ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेजिड्यू क्लास. ठीक है, जी एक ग्रुप बन जाएगा ऑफ ऑर्डर फाइव एन अंडर द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. देखो ये जो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं ना, ये ग्रुप बना रहे हैं. अगर कोई भी एलिमेंट हम लें और इसमें चेक करें कि क्या ये ग्रुप बना रहा है, ग्रुप कैसे चेक करेंगे, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो पांच प्रॉपर्टीज लगाएंगे और चेक करेंगे, तो एक्चुअली ये ग्रुप बना रहा है जो फाइव एन एलिमेंट्स हमने लिए थे और एक एलिमेंट ए है और एक एन है, राइट, रिलेटिवली प्राइम है और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन जो परफॉर्म कराया, तो वो एक ग्रुप बना देते, एक फॉर्म्स अ ग्रुप. ठीक है, इसलिए हमने लिखा दैट जी एक ग्रुप है ऑफ जिसका ऑर्डर फाइव एन है अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन. फाइव एन ऑर्डर था, राइट, फाइव एन इसका, फाइव एन आ गया था, राइट, चार एलिमेंट्स आ गए थे इसमें, ये जो ग्रुप था ये हमारे चार एलिमेंट्स का बन गया था ऑफ ऑर्डर फाइव एन अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन हमने कर दी. ओके, अब हम क्या करते हैं, देखो अब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होगी, वन, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो आइडेंटिटी इसकी वन ही होगी. ओके, ना स्टेटमेंट्स तो हमने लिख ली, अब क्या करेंगे, देखो ए हमने एक एलिमेंट लिया था, इनकी थ्री हमने एक एलिमेंट लिया था जो कि बिलोंग कर रहा है ग्रुप को. देखो रेजिड्यू क्लास है इसलिए सब कुछ ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ए एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप को बिलोंग कर रहा है. ओके, द प्रीवियस वीडियो विच वी डिड वाज, उसमें था दैट ए ऑर्डर ऑफ जी, ए रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के. इफ यू हैवंट वॉच्ड द वीडियो, वॉच इट, यू विल गेट द क्लैरिटी कि कैसे हुआ कि ए को अगर उसके पावर से ऑपरेट करवाएं, ए को अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप से ऑपरेट करवाएं तो ई कैसे आता है. यहाँ पर इस चीज का यूज करेंगे, ए ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू वन हो जाएगा, वाई, बिकॉज आइडेंटिटी हमने बोल दिया कि यहाँ पे वन है. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप वी गोना डू इज ए ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमने बता दिया था दैट ऑर्डर इसका क्या है, फाइव एन है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, फाइव एन, ए
phi n is equal to this. Now, इसका मतलब ये कि a को हमने phi n times operate कराया, जब हमने यहाँ पे 3 को भी operate करवाया था तो phi n times n की चार बार operate करवाया था, phi n की value 4 थी, so phi n यानी कि 4 times operate करवाया, right? So क्या करेंगे, I'll write that a raised to the power a, ये हम कितनी बार करेंगे, अप टू phi n times करना है, phi n times ये चीज ऑपरेट कराएंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, सारे a को कॉमन ले लेते हैं, a इसको हम अप टू phi n times करा रहे हैं, phi n times कराएंगे, what we did was कि ब्रैकेट के अंदर ले लिया इन सब चीजों सारे a को। अब I can write it as a raised to the power phi n, ये जाएगा a raised to the power phi n किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। Now a raised to the power phi n is equal to this 1, okay, so what is this 1? 1 हमने लिखा था यहाँ पे, that 1 is 1 modulo n, ये 1 हो जाता है 1 mod n, और जब इसको mod में कर दिया है तो यहाँ पे congruent वाला आ जाएगा, ठीक है। Now हमने brackets हटा दिए, so यहाँ पे congruent हो जाएगा, not equal anymore but ये congruent है। So this is how we prove this theorem. You can have a quick look at what have we done. And make sure that you can watch the previous video also, कि a raised to the power order of group identity के equal कैसे होता है. And that's it for this video. Thank you.